The next important battle that he fought was the War of Austrian Succession. That was from 1740 to 1748. 1740 में लुईस के पास एक न्यूज़ आती है कि किंग ऑफ ऑस्ट्रिया दैट इज चार्ल्स सिक्स वॉज डेड एंड इसके बाद उसकी बेटी दैट इज मारिया विल सक्सीड हिम। अब ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है फ्रांस के मिनिस्टर और उसके अलाइज में फॉर कैप्चरिंग ऑस्ट्रिया, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि वॉर ऑफ पोलिश सक्सेशन में किस तरह ऑस्ट्रिया अलायंस करता है प्रशिया और रशिया के साथ और फिर उसके बाद फ्रांस के खिलाफ लड़ाई भी लड़ता है, तो इसलिए उसके अलायंस चाहते थे कि वो लोग ऑस्ट्रिया को कैप्चर कर लें। लेकिन लुईस जो होते हैं यहाँ पर वो मना कर देते कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो एटीट्यूड होता है लुईस का कि वो कैप्चर नहीं करेंगे ऑस्ट्रिया को जिसने उन्हें वॉर ऑफ पोलिश सक्सेशन में इतना परेशान किया था, तो उनके अलाइज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कुछ समय बाद कि अभी वो कैसे इलेक्टर ऑफ बवेरिया का सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ द इलेक्टर ऑफ बवेरिया सपोर्टेड बाय फ्रेडरिक द न्यू किंग ऑफ प्रशिया चैलेंज द सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया। इन 1740 फ्रेडरिक इन्वेडेड सिलेशिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रियन प्रोविंस। फ्रांस आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड सपोर्टिंग इलेक्टर ऑफ बवेरिया टू द ऑस्ट्रियन थ्रोन। फ्रेंच एंड बवेरियन आर्मी joined together and started capturing the provinces of Austria. Later France, Spain, Bavaria, Prussia joined together against Austria, Saxony, Holland, Sardinia, Hanover and after some time we will see that Britain also was involved in this. अब इसी वॉर के दौरान 1743 में जो फ्लूरी होता है उसका मिनिस्टर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद लुईस कहते हैं कि नहीं वो अब अकेले रूल करेंगे, उन्हें किसी भी मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी सेम साल वो बीमार हो जाते हैं और वो वॉर नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन जैसे वो रिकवर होते हैं तुरंत वो वॉर में जाने लगते हैं। तो इसीलिए जो पीपल होते हैं जो नेटिव्स होते हैं फ्रांस के वो लुईस को एक निकनेम देते हैं, दैट इज़ द बिलवेड वन। इट्स अ इम्पॉर्टेंट व्हाट निकनेम डज लुईस गॉट फ्रॉम द नेटिव्स ऑफ फ्रांस, दैट वॉज द बिलवेड वन। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इस निकनेम को अपने फेवर में कैरी नहीं कर पाते हैं, वो ये वॉर हार जाते हैं, लेकिन वो कुछ इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रिया को ऑक्यूपाई करने में कामयाब होते हैं। 1748 में इस वॉर का एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी लुईस ऑफर्ड टू रिटर्न ऑल द टेरिटरीज ही हैड कॉन्कर्ड इन द नीदरलैंड्स टू ऑस्ट्रियंस एंड मैसाचुसेट्स टू डच, नाइस एंड सेवॉय टू द सार्डिनियंस एंड लाइक दिस वे एंड लेटर सो ऑन। था हमारा वॉर ऑफ सक्सेशन एक ब्रीफ नोट में। अगर आपको वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के बारे में और ज़्यादा जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर दैट लुईस 15 फॉट वॉज द 7 ईयर्स ऑफ वॉर, दैट वॉज फ्रॉम 1756 टू 1763। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट वॉर इन द यूरोपियन हिस्ट्री, प्लीज़ रिमेंबर। सो वी विल डिस्कस इट इन ब्रीफ। मेनली ये वॉर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई थी और उनके अलाइज भी थे, पर मेन पार्टी ब्रिटेन और फ्रांस था 7 ईयर्स ऑफ वॉर में। कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में तो शुरू ही हुआ था, कभी वहाँ पर फ्रांस डोमिनेट कर रहा था तो कभी ब्रिटेन, पर एक्चुअली ये दोनों मेन पावर वर्ल्ड में जगह जगह पर अपनी कॉलोनीज बना रहे थे जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, इंडिया में, यूरोप में, ब्रिटेन में एक्सेट्रा। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स ब्रिटेन के पास थे और कुछ पार्ट्स फ्रांस के पास थे। उस समय अमेरिका में टोबैको यानी तंबाकू बहुत उगाया जाता था। दोनों फ्रांस और ब्रिटेन ये चाहते थे कि दोनों नॉर्थ अमेरिका में और एरिया बढ़ाएं ताकि वो और से ज़्यादा टोबैको उगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। उस समय नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रांस और ब्रिटेन का जो एरिया था उसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया था वो था ओयो रिवर वैली, और ये वही वैली थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टोबैको भी प्रोड्यूस हो रहा था। तो अब दोनों चाहते थे कि ये वैली उनकी हो जाए, तो इसीलिए वहाँ पर आए दिन रोज़ के रोज़ कोई ना कोई छोटे से छोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते थे। तो ऐसा ही स्टार्ट हो गया था 1756 से ही कि वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे बिटवीन फ्रांस और ब्रिटेन में। इसलिए फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों ने वहाँ पर अपने अपने अलाइज को बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके और अपने लिए वॉर को लड़ सके और जीत सके। अब लड़ाई भी स्टार्ट हो गई थी फ्रेंच और ब्रिटेन और उनके अलाइज के बीच में। ब्रिटेन की जो पावर थी वो थी उसकी नेवी,
यूरोप में जगह जगह पर फ्रांस और उसके अलाइज को ब्रिटेन की नेवी ने हराना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से फ्रांस हारने लग रहा था अपने वॉर को। ये वॉर 7 साल चली थी। ये वॉर 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस से एंड हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अमेरिका की सारी कॉलोनीज जो फ्रांस के पास थी वो सब अब ब्रिटेन के पास चली जाएगी। अब आप देख सकते थे कि जो पुराने वाली कॉलोनीज फ्रांस के पास थी वो भी उससे अभी हार चुका। 7 साल ऊपर से ये लंबी वॉर भी चली तो कितना पैसा उसमें इसका फ्रांस का नुकसान हो गया होगा। तो इसी वजह से अब फ्रांस बहुत ज़्यादा डेप्ट में चला गया था, जो कि आप देखेंगे आगे चल के एक बहुत ही बड़ा कारण होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। नाउ लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, दैट हिज क्वीन एंड मिस्ट्रेसेस। जब लुईस की शादी हुई थी देन ही वॉज वेरी मच इन लव विथ हिज क्वीन, बट एज हिज फैमिली ग्रू ही बिगैन टू लुक एल्सवेयर। इन 1738 व्हेन क्वीन लॉस्ट हर अनबॉर्न चाइल्ड, डॉक्टर फॉरबेड हर टू मेक एनी रिलेशंस विद द किंग फॉर सम टाइम। दिस न्यूज मेड द किंग अपसेट एंड ही स्टार्टेड कीपिंग मिस्ट्रेसेस। ही इवन आफ्टर दैट नेवर लुक बैक टू हिज वाइफ अगेन। द मोस्ट फेमस मिस्ट्रेस ऑफ हिम वॉज मैडमे डी पैम्पाजोर। द किंग यूज टू लिसन ऑल हर एडवाइस। शी इवन लुकड आफ्टर हिज पॉलिटिकल अफेयर्स एंड एक्टेड लाइक हिज मिनिस्टर आफ्टर द फ्ल्यूरीज डेथ। इट इज इवन सेड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ फ्ल्यूरी किंग रूल्ड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिस्ट्रेस। द नेक्स्ट 20 ईयर्स शी वॉज द किंग्स कॉन्फिडेंट एडवाइजर। लुईस 15's फाइनल ईयर्स। After the 7 years of war and all the battles he fought, in 1760s and 1770s, Louis and his government tried so much to improve the condition of France. They made so many reforms so that they can bring the economy of the France at the same level. But it was too late to do so. Louis XV himself lacked the leadership qualities and skills. He died on 10th May 1774. In his bedroom at Versailles. He was comforted by his last mistress, that is Jean. After his death, his grandson Louis XVI came to the throne. If you found the video informative, please like, subscribe and share. Thank you.